खरा दिन रे ठंडा ठंडा हेल्दी बादाम मिल्क को थरे मात्र बने कि ए बुढ़िया भरे देखंतु आपन को बहुत भलो स्वाद आनिबा सहित फ्रेशनेस आनिबो पिला मन को पाई इम्यूनिटी बूस्टर सहित मेमोरी डेवलपमेंट रे मते सहायता करे। देखंतु केते सुंदर देखा होची और थिकनेस को मते देखंतु। चलंतु स्टार्ट करिबा रेसिपीटी को। नमस्कार, जय जगन्नाथ। दीपाली किचन को आपन मन को बहुत बहुत स्वागत। ए बादाम मिल्क शेक बनिया पाई आवश्यक सामग्री होची ये क्षीर नहीं हाफ लिटर मिल्क मुड्र नहीं चीनी नहीं 3-4 चम्मच ये जिनसटी सिक्रेट अच्छे से भिड को लास्ट जाए देखा पड़ो। बादाम नहीं 10-20 एमती रात सारा भिजे रखी चोपा छड़े नहीं गुजराती नहीं 4 आउ कि बादाम को स्लाइस करके काटिक नहीं टाइम अभाव अच्छे तो आप 3-4 घंटा पूर्व बादाम को भिजे पारे। एबे मु गैस ऑन करके गोटे पैन बसई नौ पैन टी गरम हो गलानी एबे आमे खीर को काटिकी तादरे पकाई नबा। खीर गरम करिया पे आमको 8-10 मिनट टाइम लगे। खीर पकाई सारा पर एमती टिके गोळी नबा। खीर बसेला भीतर आमे एबे टिके ग्राइंडिंग कर नबा गोटे ग्राइंडिंग जार नबा। से ग्राइंडिंग जार रे आम जो बादाम बादाम रखी चोपा छड़े आड करनवा पकईन 4 गुजराती पकईन ये मुझे 2 चम्मच क्षीर आड करदे आल भाव ग्राइंडिंग करनवा फाइन पेस्ट करें एमती खदड़ रखिए जहाँकि मिल्क शेक बनला बहुत भल लगे। देखंतु एभली भाव आप पेस्ट करें एवं देखते क्षीर फुटवा आरंभ हो गला क्षीर उपर जो सर मारी आम भल भाव एमती छड़े ना चामच साइड रे जो लगी छड़ी तार देह आड करनवा से क्षीर में आड करनवा कह बहुत भल टेस्ट दे था क्षीर को आमको बेसी समय गरम करिवार नाई केवल 20% क्षीर रिड्यूस करिवार अछि। देखंतु एमती चामच साहाय्य चारिपटे लागिथिबा सर को एमती काढ़ी से क्षीर रे आड करिवार अछि। एटी देखंतु क्षीर रिड्यूस होउछि। एठी आम चीनी पकई नवा जो 3-4 चम्मच चीनी रखी थे आम पकई नवा पकई सारा पर एमती टी गोल नवा एठी मुझे सिक्रेट जिनस कथा कही थी एटा होची गोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर को किसी पानी दे गोल रखी थी से आम गोटे पिंच रे हलदी एड करदे कलर पर भल भाव गोल जदि आप भावुवे कि हलदीर स्मेल आसो बिल्कुल भी नुह हलदीर स्मेल बिल्कुल भी आसवन केवल कलर देखा जीवो, आ बहुत भल मान बहुत सुंदर देखा जीवो। एठी मुझे कस्टर्ड पाउडर कि वनिला एसेंस यूज करनी वनिला एसेंस गुजराती यूज करछी कस्टर्ड पाउडर बदल में मुझे कॉर्नफ्लोर यूज कर देखो कॉर्नफ्लोर आम एड करदे ये एड कर सारापर टे एम चल यह बहुत भल थिकनेस आणव एमती भल भाव आम टे चमच साहय गोल नवा कारण कॉर्नफ्लोर जो पकड़े ता लगे तले से आम एम गोल देखु थिकनेस के सुंदर हो गला क्षीर बहुत भल थिकनेस आसीगला एटी आमे बादाम पेस्ट को मध्य ऐड करनवा बादाम पेस्ट पकई सारापर एमती टे गोल नवा बस 2-3 मिनट पर्यंत आम एमती गोल केते सुंदर कलर आसलानी देखंतु पूरा मार्केट रे जमी बना जाए बादाम मिल्क से देखा स्मेल मध्य बहुत भल आसला
एबे आमर प्रस्तुत हो गलानी बादाम मिल्क शेक। एबे आमे ताको गोटे ग्लास को सर्व करनाबा। ग्लास रे ढाणी देबा आमे ताको। आउ डेकोरेशन पे जो स्लाइस करके रखी थी किसी बादाम ताको मध्य ता ऊपर टिके पके नबा। यहाँ को पके सरला परे 30 मिनट पाई हमें फ्रिज रे रखी नबा। देखो 30 मिनट परे हमें ताको फ्रिज रु काढ़ के देखिबा बहुत ठंडा हो जाइए आया पीवाप बहुत भल लगे। ये भाव आपड़ थे ट्राए कर पीवं देखिए बहुत भल स्वाद आसो। जदि आपण को मो रेसीपी भल लगी लाइक करेंगे सेयार करेंगे फ्रेंड्स रिलेटिव मानक। जदि चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे। मुझे आसवि आउ गोटे नुआ वीडियो नहीं रोचे। नमस्कार जय जगन्नाथ।